पार्टी और कांग्रेस किस बात के वोट मांग रही है। 20 साल तो मुझे देखते होंगे, लेकिन 20 साल के जो घोषणा पत्र देखे उनमें वही घटी घटाई बातें, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। वसुंधरा कहती है गहलोत ने भ्रष्टाचार किया, और गहलोत कहता है वसुंधरा ने भ्रष्टाचार किया। तो मेरे भाइयों, जांच कौन कराए होती है बताओ? जांच तो फिर होगी जब कोई तीसरा व्यक्ति राजस्थान के अंदर आएगा। मुझे मीडिया के मेरे साथी पूछ रहे थे कि हनुमान जी आप तो 66 सीटों पर लड़ा पाए, लेकिन 66 टिकट 29 तारीख को पार्टी बनी और 20 दिन 19 तारीख तक 66 टिकट बांट दी राजस्थान। और कई लोग उनके पास बाहुबल भी है, पैसा भी है, ताकत भी है, लेकिन आप देखना जब टिकट राजस्थान के अंदर आएगा तो ये तीसरा मोर्चा जो होगा वो 66 सीटें जो बांटी थी उनमें भी 5-4 के लोग भारत खैर के कर दिए हमारे बीजेपी कांग्रेस ने और 5-4 ऐसे बदमाश निकले जो किसी की गारंटी लेके आए थे और उनको छोड़ गए और भारत उठा लिए 5-4। भाई जब नई शुरुआत है मेरी, अब राजस्थान के हर व्यक्ति के अंदर उतर के तो मैं देख सकता कि कौन कितना सच्चा है। मुझे तो दो आदमी जो कहते हैं लौजी साहब के काम करता हूँ, राजस्थान के कई कोनों के अंदर हमारे लोग इनको लेके आए, उन्होंने फार्म विड्रॉ कर लिए और 57 जगह हमारे उम्मीदवार राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने गठबंधन का प्रयास किया था, मैं ये चाहता था कि लड़ाई अंतिम लड़ाई हो। मैंने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से 1 महीने तक बात की और दूसरे दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है मैंने सबसे बात की और मैंने कहा कि सीटों के बंटवारों को लेकर कोई झगड़ा नहीं होगा, बंद कमरे में बैठ जाएंगे। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि भाजपा को भगा दो और कांग्रेस को भी भगा दो, नया राज राजस्थान के अंदर लाओ। लेकिन मेरे भाइयों, मैं प्रयास तो कर सकता हूँ, सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में तो उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बनना मेरे हाथ में था। अगर मैं सौदेबाजी करता तो मैं भी उप मुख्यमंत्री के अंदर आप सबको और मेरा सौदा कर लेता। और कांग्रेस तो इतनी डर गई कि जब मेरे दबाव से पहली बार कांग्रेस ने 5 टिकट अन्य दलों को दे दिए और पीछे 195 सीट पर लड़ रही है, हमेशा 200 में लड़ती है, इससे कांग्रेस डर गई। और अगर मैं उसे हाथ मिलाता तो 40 टिकट कांग्रेस मेरे लिए छोड़ देती। लेकिन मैं फिर आपको मुंह कैसे दिखाता, मैं तो कहा था 2018 की लड़ाई लड़ूंगा। तो बना दो आपके मंत्री थे ना सीआर चौधरी, 5 साल हो गई कि नहीं होगी पूरी? 5 साल में कभी कलेक्ट्रेट भी लगाया क्या? सीआर चौधरी कैसे लगा क्या? हेड कांस्टेबल की बदली भी नहीं करा मैं नागौर जिले के अंदर। मेरे भाइयों, हमारे कोटे से मंत्री बन गए दिल्ली के अंदर और यहाँ किनकी चली आपको पता है? यहाँ यूनुस खान के अलावा इस नागौर के अंदर किसी की नहीं चली। और हमारे सारे जो नेता थे जिनकी 1-2 की टिकट भी कट गई नागौर से, जो रोते हुए दिखाई दिए थे आपको दिखाई दिए थे, वो भी यूनुस के घर पे सुबह जाके बैठ जाते थे और 3 घंटे तक अखबार पढ़ते थे, मिलता नहीं। कम से कम मुझे इस बात का तो धन्यवाद दो कि राजस्थान के अंदर सब लोग बड़ा बदल के भागे, जिसको मौका लगा उसी गाड़ी में बैठ गया। अकेला आपका भाई इस राजस्थान के जवान और किसान के मान और सम्मान की लड़ाई इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है। और ये मैं जवानों को भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे लिए भी लोगों ने लास्ट में कहा था ये हो गया वो हो गया। वसुंधरा कहती है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की कोई टीम है। जब वसुंधरा को लोग काले झंडे दिखाते हैं, कल मुझे कोई बता रहा था कि महिलाओं ने वसुंधरा का हाथ पकड़ के बोला कि थारो मोटियार कटिंग गई हो, तो परेशान हो गई बोले भाई जी एक लाइन चल रही हो कि घर वालों तो लिया वो कटे है। अरे बात सही है, घर वाले को सुने बहुत टाइम हो गया, बेचारा बहुत दुखी है, वो छुप के अपना जीवन वो कर रहा है। लेकिन भाई कांग्रेस भी कोई अच्छी नहीं है, आपने कांग्रेस का राज भी देखा, 50 साल कांग्रेस, 20 साल भारतीय जनता पार्टी और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले